दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीनी टॉट्स वर्ल्ड में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे हमेशा मैं आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। आज मैं अपने इस चैनल पे एक वीडियो आपको लेके आया हूँ जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो दोस्तों, मुझे पता है कि आज मैं काफ़ी दिनों बाद वापस आया हूँ आपके साथ कुछ वीडियो लेकर के। मेरे इतने दिन चैनल पे ना आने का मतलब मैं कोई अच्छी न्यूज़ ढूंढ रहा था सोशल ट्रेड के बारे में, ताकि मैं आप लोगों को दे पाऊँ। मुझे पता है दोस्तों, आपको हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ कहीं ना कहीं से मिल ही जाती थी, लेकिन इन न्यूज़ में मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा था, ताकि मैं आप लोगों के पास आऊँ, आपको आकर कुछ अच्छी जानकारी दे पाऊँ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम सबको पता कि आज 27 जो कि सोशल ट्रेड की दोनों केसों की तारीख थी, उन पे सुनवाई हुई। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि चलो शायद आज फाइनल डे हो, अब जा कर के कुछ हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ कहना अभी इजी भी नहीं है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस केस को चलते इतना लंबा समय हो गया है, अब तो लोगों की जो एक आशा होती है वो भी धीरे 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 मध्यम होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात बताता हूँ आपको, जैसे कि आज की सुनवाई हुई, सुनवाई में क्या किया गया पहले वो बताता हूँ आपको। सुनवाई में सिर्फ़ और सिर्फ अगली तारीख दे दी गई है, जो कि नेक्स्ट मंथ 6 नवंबर की है। जी दोस्तों, आज फिर से तारीख ही मिली है। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, जो अभी ई कोर्ट की साइट पर दिखा रहा है, पहले हमेशा हमेशा वहाँ पर हियरिंग दिखाता था, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। वहाँ पर इंस्टेड ऑफ हियरिंग, इट्स अ चार्ज, चार्ज वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन वो वर्ड क्यों यूज़ किया गया, उसके बारे में किसी लीगल, जबकि ऐसे लॉयर से ही बात की जा सकती है जो एग्जैक्टली आपको बता पाए कि ये क्यों किया गया है। और रही बात दोस्तों सोशल ट्रेड की वापस आने की बात, क्योंकि सभी लोग यही बार बार पूछते हैं कि हाँ अभी कोई आस है कि सोशल ट्रेड वापस आ पाएगा। दोस्तों, मैं कहता हूँ अभी भी आस है कि सोशल ट्रेड वापस आएगा, क्योंकि लगभग 9-10 महीने हो गए केस को चलते हुए। ईडी और ना ही बैंक, बाकी सरकारी एजेंसी अभी तक कोई आरोप इस पर सिद्ध नहीं कर पाई है। जी, अभी तक इस पर कोई आरोप सिद्ध ना होना भी एक तरह से पॉजिटिव है कि सोशल ट्रेड के वापस आने के चांसेस हैं। दोस्तों, मुझे जैसे ही आगे कोई न्यूज़ मिलती है, जब भी कुछ भी मिलता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको न्यूज़ या फिर सोशल ट्रेड पर कोई जानकारी मिलती है तो आपको पहुंचा पाऊँ, आपको दे पाऊँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।